हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इमेज क्वेश्चन सीरीज 3 को देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा इमेज है एनआईवी मास्क। इट डिफर्स फ्रॉम इन्वेसिव वेंटिलेशन बाय द इंटरफेस बिटवीन द पेशेंट एंड द वेंटिलेटर। एनआईवी मींस नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मास्क। इसके अंदर आपको किसी इन्वेसिव प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट इस मास्क की ओपनिंग से वेंटी सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ईटी ट्यूब इंसर्शन या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इमेज है हमारा टाइप ऑफ पेल्विस। पेल्विस जो होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है, गाइनेकोइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपोइड एंड प्लेटीपेलॉइड पेल्विस। गाइनेकोइड पेल्विस जो होता है वो राउंड शेप का होता है, एंड्रॉयड पेल्विस हार्ड शेप का होता है, एंथ्रोपोइड पेल्विस एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल शेप का होता है, प्लेटीपेलॉइड पेल्विस फ्लैट टाइप का पेल्विस होता है और ट्रांसवर्स ओवल शेप का होता है। गाइनेकोइड पेल्विस को फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं और एंड्रॉयड पेल्विस को मेल पेल्विस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वांगबेकर पेन रेटिंग स्केल। इस स्केल के अंदर 6 फेसेस की सीरीज दी हुई होती है जिसके अकॉर्डिंग पेन को रेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पी फेस है मीन्स 0 और क्राइंग फेस है मीन्स 10 पॉइंट्स देंगे आप। नेक्स्ट जैक निफ पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट्स के लेग और हेड लोअर साइड में होते हैं और हिप्स वाला जो एरिया होता है उसे अपर साइड लिफ्ट किया हुआ होता है, इसलिए इस पोजीशन को हेमरोइडेक्टोमी में यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट शाकिर टैप टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसके अंदर आप मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को देखते हैं। अगर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस ग्रीन लाइन के अंदर आ रहा है मीन्स नॉर्मल है, माल न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन अगर यह येलो लाइन के अंदर आ रहा है मीन्स बॉर्डर लाइन है, मॉडरेट लेवल का माल न्यूट्रिशन है। लेकिन अगर यही रेंज रेड लाइन के अंदर आ रहा है मतलब सीवियर लेवल का माल न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट ऑक्सीजन होल्ड, यह मेनली नियोनेट्स के अंदर ऑक्सीजन को डिलीवर्ड करने के लिए यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है वॉक इन फ्रीजर। इट यूज फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन ऑन लार्ज स्केल। जहाँ पर वैक्सीन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर लार्ज स्केल में हमें वैक्सीन को स्टोरेज के लिए ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर वॉक इन फ्रीजर का यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट मेलिकॉट कैथेटर। इट इज़ यूज्ड एज इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। आईसीटी इंसर्शन के वक्त इस कैथेटर को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट इंसेंटिव स्पायरोमीटर टू फैसिलिटेट सस्टेंड स्लो डीप ब्रीथ। इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो होता है वो पेशेंट्स के लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, इसी के साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट कार्डियो टोकोग्राफी मशीन टू परफॉर्म नॉन स्ट्रेस टेस्ट ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। कार्डियो टोकोग्राफी मशीन के थ्रू मदर की कॉन्ट्रेक्शंस और फिटल हार्ट साउंड दोनों को ही असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्किन स्टेपलर। इट यूज टू क्लोज वुंड। सुचरिंग की जगह आजकल स्किन स्टेपलर को यूज़ में लेते हैं, इसे यूज़ करना आसान होता है और इसी के साथ ही इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन। इस मशीन का यूज़ मेनली डायग्नोस्टिक पर्पस में किया जाता है। नेक्स्ट कॉपर टी। इट इज़ एन इंट्रायूटेराइन बर्थ कंट्रोल डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेम्प्रेरी और परमानेंट। उनमें से कॉपर टी जो है वो टेम्प्रेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक सब टाइप है। नेक्स्ट वैक्सीन कैरियर। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कैरियर को ANM या आशा के थ्रू सब सेंटर पर यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट पिनार्ड फिटोस्कोप टू लिसन द हार्ट बीट ऑफ फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिटस का FHS साउंड जो होता है उसे सुनने के लिए पिनार्ड फिटोस्कोप को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट लंबर पंक्चर टू कलेक्ट CSF सैंपल। लंबर पंक्चर को स्पाइनल टैप भी कहते हैं। इस प्रोसेसर में स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करके CSF सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सक्शन मशीन। इट यूज्ड फॉर सक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग। नेक्स्ट म्यूकस एक्सट्रैक्टर। इट यूज्ड फॉर रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड थ्रोट। नेक्स्ट कैपनोग्राफी मॉनिटर। इट इज़ एन नॉन इन्वेसिव मेथड टू मेजर CO2 लेवल इन एक्सहेल्ड ब्रीथ। एक्सहेल्ड ब्रीथ के अंदर आपका CO2 लेवल कितना है उसे कैपनोग्राफी मॉनिटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नीडल डिस्ट्रॉयर टू डिस्ट्रॉय द यूज्ड डिस्पोजेबल नीडल। जो भी नीडल हमने यूज़ कर लिए उसे नीडल डिस्ट्रॉयर से कटिंग करके और बर्न करके ही डिस्पोज करें। नेक्स्ट
नी चेस्ट पोजीशन, मेनली यह पोजीशन जो होती है सिग्मॉइडोस्कोपी और लेमिनेक्टोमी में यूज में ली जाती है। नेक्स्ट लैरिंगोस्कोप, टू विजुअलाइज लैरिंग्स फॉर एग्जामिनेशन एंड इंटुबेशन। लैरिंगोस्कोप का यूज जो होता है मेनली लैरिंग्स का एग्जामिन करना तब यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा ईटी ट्यूब इंसर्शन में इसे मेनली यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट एसेप्टो सिरिंज, दिस सिरिंज इज मेनली यूज फॉर इरीगेशन ऑफ वुंड और कैविटीज। यंगकर सक्शन सेट, इट यूज टू क्लियर ऑपरेटिव साइट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड इट सक्शन वॉल्यूम काउंटेड एज ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान जो भी ब्लड लॉस होता है उसे इस सक्शन सेट के थ्रू हटाया जाता है जिससे कि सर्जरी स्मूथली परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट कोलोस्टोमी बैग, इट यूज टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द बोवेल। कोलोस्टोमी बैग जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है। नेक्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, बेबी के बर्थ होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करते हैं, उसके लिए अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट फिटल डॉपलर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिटस का हार्ट साउंड असेस करने के लिए फिटल डॉपलर यूज में लेते हैं। FHS जो होता है वो 120 टू 160 के बीच में नॉर्मल होता है। नेक्स्ट अम्बू बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। अम्बू बैग के साथ में अम्बू मास्क भी अटैच्ड होता है। अम्बू बैग जो होता है वो नियोनेट्स और एडल्ट्स दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट टंग डिप्रेसर, इट अलाउज द विजुअलाइजेशन ऑफ माउथ एंड थ्रोट। नेक्स्ट मैगिल्स फॉर्सेप, इट यूज टू प्लेस ईटी ट्यूब करेक्टली इन लेरिंजियल आउटलेट। मैगिल्स जो होता है वो हेल्प करता है कि ईटी ट्यूब करेक्टली लेरिंजियल आउटलेट में प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट किडनी ट्रे, टू कलेक्ट वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग सर्जरी और एनी अदर प्रोसीजर। हम कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर सर्जरी चल रही है उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे किडनी ट्रे के अंदर कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, यह स्केल भी पेन लेवल को असेस करने के लिए यूज़ में ली जाती है। इसके अंदर भी तीन लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। नेक्स्ट रिफ्लेक्स हैमर, रिफ्लेक्स हैमर की सहायता से हम फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तब रिफ्लेक्सेस को चेक कर सकते हैं और यह मेनली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट स्पुटमक, स्पुटमक टू कलेक्ट एक्सपेक्टर एंड फ्रॉम पेशेंट। नेजल स्पेकुलम, नेजल स्पेकुलम जो होता है वो नेजल कैविटी को विजुलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर को हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को असेस करने के लिए यूज़ में लेते हैं। कॉटरी, ड्यूरिंग सर्जरी हमें कुछ भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ टिश्यू जो है उसे बर्न करना या कोएगुलेट करना है तो हम कॉटरी को यूज़ में लेते हैं। ऑपरेशन टेबल, टू कीप द पेशेंट इन प्लेस व्हाइल द सर्जिकल टीम ऑपरेट्स। जब भी सर्जरी हो रही होती है तब पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे लिया जाता है ताकि हम उसे कंफर्टेबल पोजीशन दे सके सर्जरी के लिए। नेक्स्ट इशिहारा टेस्ट, यह टेस्ट मेनली कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट यूरोमीटर, यूरोमीटर टू मॉनिटर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ यूरिन। यूरोमीटर और यूरोबैग में यह डिफरेंस होता है कि यूरोमीटर में ये वाला चैम्बर लगा हुआ होता है, यूरोबैग में ये नहीं होता है। यह मेनली रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर जहाँ पर हमें एक्यूरेट अमाउंट मेजर करना होता है यूरिन में वहाँ पर हम यूरोमीटर का यूज़ में लेते हैं। स्टिम इन्हेलर, इट प्रोवाइड स्टिम टू इन्हेलेशन। नेक्स्ट नेजल कैनुला, इसके द्वारा हम ओटू को डिलीवर कर सकते हैं 1 to 4 लीटर की रेंज में। नेक्स्ट प्रोक्टोस्कोप, एनस और रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट ECG मशीन, टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड एनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द हार्ट। हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं जो कि आगे आपको कार्डियक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। ECG इलेक्ट्रोड आर यूज ड्यूरिंग कार्डियक मॉनिटरिंग। ECG लीड्स जो होती है आपको अटैच करनी होती है ECG इलेक्ट्रोड से जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कार्डियक मॉनिटर पर ECG को देख सकते हैं। नेक्स्ट HMA फिल्टर, या वेंटिलेटर में यूज़ में लिया जाता है। यह हीट मॉइस्चर एंड एक्सचेंज फिल्टर होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन फ्लोमीटर विथ ह्यूमिडिफायर है जो कि O2 को ह्यूमिडिफाई करके डिलीवर्ड करता है। नेक्स्ट स्नेलिन चार्ट है, दिस टूल इज़ यूज टू मेजर विजुअल एक्यूरिटी। विजुअल एक्यूरिटी को मेज़र करने के लिए इस चार्ट को यूज़ में लिया जाता है। इसके लिए जो क्लाइंट है
उसे 20 फिट या 6 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा होना होता है और फिर इस चार्ट को रीड करना होता है। यह चार्ट मेनली डिस्टेंस विजन के लिए यूज़ में लिया जाता है।